नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को बता दें कि अर्जुन कपूर ने ठान लिया है कि जिन्होंने बॉलीवुड को फिल्मों को बायकॉट करना शुरू कर दिया है, उन लोगों को सबक सिखा के रहेंगे। क्योंकि जब अर्जुन कपूर अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां पे एक पत्रकार ने पूछा कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को जिस प्रकार लोगों ने बायकॉट किया, उसके बाद से लोग लगातार बॉलीवुड को क्यों बायकॉट कर रहे हैं। जिस पे अर्जुन कपूर एकदम गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारी सराफत का बहुत ही नजायज फायदा उठाया है और अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अब पूरा बॉलीवुड इन लोगों को सबक सिखाएगा जो जो हमारी फिल्मों को बायकॉट कर रहे हैं। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोर। तो दोस्तों, मैं आप सब इसे एक नाराज हूँ कि आपको अर्जुन कपूर की फिल्मों को बायकॉट नहीं करना चाहिए। मानते हैं लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करने का कारण है कि जब आमिर खान ने पीके मूवी में कुछ ऐसा सीन दिखाया जिसमें हमारे देवी देवताओं के आस्था के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम किया, हमारे हिंदू धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया, यहाँ तक कि जो व्यक्ति शंकर भगवान बना था उसको दौड़ाते दौड़ाते वो लैट्रिन तक लेके चले गए, और यहाँ तक जो उन्होंने अपने गले में पहना था जिससे हम लोग पवित्र माला बोलते हैं रुद्राक्ष की, वो भी पहने और शौचालय में प्रवेश कर गए, जिसके कारण हमारे हिंदू धर्म को लेकर यह बहुत बायकॉट जरूरी था। आमिर खान को सबक सिखाना जरूरी था, मगर अर्जुन कपूर को कौन बायकॉट करना चाहता है भाई? अर्जुन कपूर की तो कोई फिल्में पसंद ही नहीं करता है, तो उसे भला बायकॉट करने की सवाल ही कहाँ आता है। इसलिए मैं भाई आप लोगों से नाराज हूँ कि आप लोग अर्जुन कपूर की फिल्मों को बायकॉट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग अर्जुन कपूर की फिल्मों को ही मत देखिए तो बायकॉट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। खैर दोस्तों, अर्जुन कपूर की बयानों को लेकर आप सभी का क्या राय है, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।